हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग यार। तो आपका भी आप लोग के लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके आ चुका है। तो यार आज हम कर रहे हैं मोबाइल वर्सेस पीसी क्लैश स्क्वाड मैच चल रहा है, बिल्कुल खतरनाक वाला 3v3 का मैच चल रहा है। हमारे साथ खेल रहे हैं सोमी भाई जो कि है इशू की आईडी से, और हमारा एक और बंदा खेल रहा है राहुल। तो भाई बिल्कुल खतरनाक वाला मैच है, मोबाइल वर्सेस पीसी चल रहा है। आप लोग को पता चल जाए कि यार मोबाइल से खेलना कितना मुश्किल और पीसी से खेलना कितना आसान। तो भाई पहले राउंड में तो हमें पूरा कुत्ते की मौत मारा है, तो एक बंदा बचा हमारी टीम का और इसको भी खत्म कर दिया, MP5 के हेडशॉट से खत्म किया। तो इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड शुरू हो चुका। दूसरे राउंड में MP लेके मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा पीछे की तरफ से जा रहा हूँ क्योंकि स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड में हम आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन सोलो वी सोलो में ये सब नहीं होता है। तो सामने मेरे को बंदा दिख चुका है, तो हेड मारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सामने बंदा आ गया और हेड मार दिया भाई, और छोटा सा कवर लेके, क्योंकि पीछे बंदा तो देख रहा हूँ कितनी जल्दी जल्दी ग्लू वॉल लग रही है बंदूक भाई, इतनी जल्दी जल्दी ग्लू वॉल लग रही है कि पूछो मत। दो भाई, दो बंदे मैंने नॉक कर दिए हैं, एक को किल कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई अपने प्लेयर को पहले रिवाइव देना जरूरी है क्योंकि किल तो बाद में भी आ जाएगा, लेकिन रिवाइव कर देंगे तो मैच जीत जाएंगे। तो भाई एक और बंदा, आखिरी बंदा वो बचा है, पीछे से बहुत सारा डैमेज दे दिया हमने, पीछे मुड़ के बहुत सारा डैमेज उसको भी दे दिया। तो भाई हम थोड़ा सा साइड होकर पीछे हट जाते हैं, सामने बंदा, ओ भाई साहब शॉटगन से क्या ही वन टैप तो नहीं मारा, लेकिन एक गोली में खत्म कर दिया। देखो कितनी तेज ग्लू वॉल लगती है भाई इनकी, इतनी तेज ग्लू वॉल लग रही है। तो 1v1 का मैच हो चुका है, तो देखते हैं वो बंदा मेरे को रिवाइव कर पाता है कि नहीं। ओ भाई साहब ग्लू वॉल लगा चुका है, चारों तरफ ग्लू वॉल लगा के मेरे को बचा ही लेगा। तो भाई बचा लिया है बंदे ने बहुत खतरनाक तरीके से, एक नंबर का मैच चल रहा है। तो पीछे की साइड में चला जाता हूँ, 2v1 की सिचुएशन हो चुका है, तो थोड़ा हील करके मैं आ चुका हूँ। तो पीछे उसके बंदा खड़ा हो चुका है, तो मैं ऊपर से देखता हूँ क्या करना है, लेकिन मैं नीचे कूद चुका हूँ अभी। तो सामने बंदा आ गया, तो ग्लू वॉल लगा लिया बहुत प्यारे तरीके से। तो भाई तो देखते कौन इसको मार पाता और कौन नहीं मार पाता। बंदा दूर चला गया और बंदा गायब हो गया भाई एकदम से, मेरे को लगा पीछे की तरफ है लेकिन वो आगे की तरफ था, और उस बंदे ने क्या ही हेडशॉट मारा भाई। तो भाई पीसी से देख रहे हो बंदा क्या ही लौंडा मार रहा है। तो भाई अपना राहुल भाई बचे, तो देखते राहुल भाई क्या कर पाते हैं, और भाई साहब शॉटगन से लौंडे ने मार दिया इस बंदे को। तो भाई 1v1 स्कोर हो चुका है, तो MP लेके फिर से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ बहुत तेजी से। तो उनकी टीम के सिर्फ दो बंदे बचे हैं, हमारी टीम के भी दो बंदे बचे हैं क्योंकि एक बंदा हमारा नॉक हो चुका है। तो सामने बंदा हेड मारने की पूरी कोशिश करेंगे, और भाई डैमेज दे दिया 8-10 का। तो बंदा देखते हैं पीछे आएगा, तो हेड मारने की पूरी कोशिश करेंगे भाई साहब, फिर से बहुत गोली मारी बंदे को, विदाउट हेड से ही मैंने इसको मार दिया है। तो सिर्फ 2v1 की सिचुएशन फिर से हो चुकी है, बंदा अंदर ग्लू वॉल की साइड है। तो देखते हैं वो बंदा जब जैसे ही बाहर निकलेगा उसको पूरी मारने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो वो अंदर बैठ के हील कर रहा है और पीछे बार बार कूद रहा है, तो कूदने से उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो सामने बंदा है, इसको हेड मारने की कोशिश करते हैं, और भाई बहुत प्यारा वाला हेड मार दिया MP से। तो 2v2 और 1 स्कोर हो चुका है। तो देखते अगले राउंड में हम क्या कर पाते हैं, हम लेके घूम रहे हैं MP साथ में शॉट में। तो सामने बंदा, ओ भाई साहब MP40 का हेड मार दिया भाई मेरे को, इतनी तेज हेड मार के ग्लू वॉल भी लगाना भाई साहब पीसी में बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन भाई मोबाइल में खेलना भाई साहब ऐसा खेलना तो बहुत मुश्किल होता है। अपने टीम का सिर्फ एक ही बंदा बचा है, तो एक बंदा भी क्या ही करेगा, तो उसको मैंने हटा ही दिया। तो इसी के साथ हमारा 5वां राउंड शुरू हो चुका था। 5वें राउंड में देखते क्या कर पाते, सामने बंदा आया, इतना सारा डैमेज दे दिया, पीछे से भी अपने को बहुत गोलियां पड़ी। तो पीछे से ग्लू वॉल लगा के थोड़ा हील कर लेते हैं, उनकी टीम का भी एक बंदा नॉक है, हमारी टीम का भी बंदा एक नॉक है। तो 2v2 की सिचुएशन हो चुकी है, तो देखते हैं हमारे प्लेयर को रिवाइव मिलता है कि नहीं। अगर रिवाइव मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। सामने बंदा है, डैमेज दिया बहुत सारा तो नहीं दिया, लेकिन बहुत कम भी नहीं दिया है। तो सामने वाले की थोड़ी बहुत फट चुकी है, तो ग्लू वॉल लगा चुका है। सामने बंदा उसको हेड मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन हेड लगा नहीं। तो पीछे बंदा आ चुका है, पीछे वाले को मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सामने वाले को इतना सारा डैमेज दिया, और भाई साहब एक भी वन टैप में बंदे ने खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे वन टैप मारे पीछे वाले भाई, कसम से फाड़ दी भाई, पूरी फाड़ दी। तो भाई अपना सिर्फ एक बंदा बचा सामने की तरफ, एक को उसने नॉक कर दिया। तो 1v1 की सिचुएशन हो चुकी है, पूरा किल कंफर्म कर रहा है लौंडा, लेकिन किल कंफर्म तक हुआ नहीं, लेकिन अब हो चुका है। तो 1v1 में देखते हैं लौंडा क्या कर पाता है, किल दिला पाता है कि नहीं। तो भाई MP से काफ़ी सारा डैमेज दे दिया, तो हेडशॉट मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, ग्लू वॉल लगा चुका है बहुत प्यारी वाली। तो पूरा रश करके खेल रहा है लौंडा, 17 का डैमेज दे दिया, बाहर निकलती है, हेड मार दो। भाई साहब क्या ही स्कोर चल रहा है, 3-2 का स्कोर चल चुका है। इसके साथ 6ठा राउंड शुरू हो चुका था, देखते छठे राउंड में हम क्या कर पाते और क्या नहीं कर पाते। तो सामने की तरफ बंदा है, हेड मारने की कोशिश करी और हेड मार चुका हूँ, और 2-3 का डैमेज भी दिया। तो पीछे की तरफ से बंदा रश कर रहा है, पूरा हेड मारने की कोशिश करी, लेकिन हेड एक भी नहीं लगा। लौंडे ने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, उल्टा मेरे को पीछे की तरफ निकलना पड़ रहा है। एक मेडी मार लेता हूँ, तो मेडी मारने के बाद देखते हैं उसको हम मार पाते हैं कि नहीं।
तो बंदा पूरा पूरा रश मारने की कोशिश कर रहा, मैं अकेला बचा, सामने तीन बंदे, हेड मारा भाई, ये फेक डैमेज का कुछ नहीं कर सकते भाई, मारो कोई, देख रहे हो फेक डैमेज को कुछ नहीं कर सकते, बंदे ने वन टैप मारा और गेम खत्म कर दिया, बंदा लौंडाई मोड दिखा रहा भाई। पीसी में खेलना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, पता नहीं रजिस्टर कैसे कम्पीट करता है ज्ञान सुजान को, मेरे को पता ही नहीं चलता, इतनी फाड़ के रखता है बंदे की, लेकिन ज्ञान सुजान मारता ये बात नहीं है। तो देख रहे हो कैसे मार रहे बंदे, तो भाई रजिस्टर भाई पीसी के खिलाफ कैसे खेलता है भाई, बहुत ही तगड़ा खेलता है, एकदम 1v3 की सिचुएशन हो चुकी है, राहुल भाई मरेंगे ये तो कन्फर्म ही। ये देखो वन टैप भाई साहब, खड़े खड़े वन टैप दे दिया, इमोट मस्त दिखा रहे लौंडे, अच्छा खेलेंगे तो इमोट तो दिखाएंगे भाई। तो भाई इसी के साथ हमारा 8वां राउंड शुरू हो चुका है, तो 8वें राउंड में देखते हैं हम क्या कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं, तो पूरी पूरी हमारी मार रखी है। तो भाई लोग यार मैं पीछे की तरफ आ चुका हूँ, जैसे ही बंदा कोई पीछे आएगा उसको बहुत तगड़ा वाला हेड मार के उसके वहीं फाड़ देंगे। तो सामने मेरे को बंदा दिख चुका और हेड मार दिया है, बोलती है हेड मार दिया भाई साहब मैंने, तो भाई पीछे से एक और बंदा आ रहा है, उसको भी तीन चार का डैमेज दिया है। तो भाई सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है इस गेम में, ऐसे क्लैश स्क्वाड के उसमें तो भाई सिर्फ 3v1 की सिचुएशन हो चुके। तो देखते हैं उस एक बंदे को कौन मारता है, सामने बंदा है, ग्लूवर लगा के मैं पूरा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, किल चोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और भाई किल चोरी हो चुकी है इधर। तो भाई इंडिया मोस्ट फेमस बंदा किल चोर इस GMG प्लेयर, तो सामने बंदा आ चुका है भाई, कोई फेमस नहीं है, ऐसी जोक मार रहा है यार, सामने बंदा है भाई साहब बिल्कुल मस्त वाला, उसने भी डैमेज दे दिया, मैंने भी डैमेज दे दी, शॉट गन अपने को चलाने नहीं आती लेकिन फिर भी शॉट गन से मजे कर रहे हैं। फिर चारों तरफ ग्लूवर लगा के थोड़ी हील कर लेते हैं, हील करने के बाद देखते हैं हम क्या कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं। तो अपनी भाई पीछे से ही बंदा आ चुका है भाई, आगे से बंदा भाई क्या ही चल रहा है भाई, बंदे ने बॉडी शॉट से ही मार दिया, पूरा खत्म कर दिया है मेरे को, टीम का सिर्फ एक ही बंदा बचा है। तो देखते हैं भाई हमारे सोमी भाई क्या कर पाते और क्या नहीं कर पाते, ये इशू है सोमी है, मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इन दोनों में से कौन है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें खेलने से मतलब होना चाहिए। तो भाई तीन बंदे उसके ऊपर रश मार रहे हैं, तो भाई ऐसी ग्लूवर लगा रहा है भाई, कसम से पीसी वाली ग्लूवर लगा रहा है बिल्कुल, ऐसा मेरे को लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सामने भाई 3 PC वाले और सामने 3 मोबाइल वाले, तो भाई बंदे क्या ही कर पाएंगे, कुत्ते की मौत मर रहे हैं। 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, 5 पॉइंट सामने वाले को हो चुका है, तो यहाँ से हमारी उल्टी गिनती शायद से स्टार्ट हो चुकी है। तो देखते हैं इस उल्टी गिनती में हम क्या कर पाते और क्या नहीं कर पाते, MP लेके फिर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं MP लेके हम कहाँ तक कुछ कर पाते और क्या नहीं कर पाते। तो भाई लोग यार, तो ये मैं थोड़ा पीछे की तरफ आ चुका हूँ क्योंकि आगे की तरफ बिल्कुल कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, तो सामने की तरफ पूरे 3 बंदे रश कर रहे हैं, हेडशॉट मारने की पूरी कोशिश के लिए, लेकिन हेडशॉट एक भी नहीं लगा, तो सामने बंदा आया तो हेडशॉट मारने की कोशिश करनी, 54 का हेडशॉट मारा, गुलवोली बहुत तेजी में लगाई है, तो सामने वाले बिल्कुल तेजी से रश कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ चुका हूँ, तो देखते हैं बंदा मुंह पे आ गया और भाई हेडशॉट मारने की कोशिश करी, लेकिन एक को भी नहीं लगा क्योंकि 2 बंदे वापस आए और एम मेरा थोड़ा बिगड़ गया, तो पीछे की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा हील करूंगा, इसके बाद इनको मारने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर कोई पीछे से बंदा आता है तो उसको पूरी मार देंगे और खत्म कर देंगे लौंडे को। तो पीछे से बंदा आ रहा है, बॉडी शॉट मार के लौंडे खत्म कर दिया मैंने, तो भाई किल कन्फर्म करते हैं यहाँ से और भाग लेते हैं यहाँ से जल्दी से। तो 1v2 की सिचुएशन हो चुकी है, तो एक पे हेड मारने की कोशिश करेंगे, सामने वाले के हेड मारने की कोशिश, लेकिन हेड लगा नहीं, तो पीछे की तरफ निकलते हैं, पूरी वेस्ट तो बचा पड़ा है लेकिन हेलमेट पूरा फाड़ दिया है भाई, पूरा हील कर लेते हैं, पीछे से बंदा आ गया भाई, पीछे और निकलना पड़ेगा मेरे को पीछे की तरफ, सामने से बंदा आगे हेड मार दिया एक को, लेकिन नॉक नहीं हुआ और भाई यहाँ M10 से हमें मार दिया गया है। तो भाई अब ये राउंड आ चुका है पोची नॉक की तरफ, तो देखते हैं पोची नॉक में क्या कर पाते क्या नहीं कर पाते। तो सामने वाले को भाई बहुत सारा डैमेज दिया लेकिन अपनी किल चोरी होगी, लेकिन यहाँ किल चोरी का मतलब बनता ही नहीं, यहाँ पे किल चोरी हो कुछ भी चोरी हो यहाँ, लेकिन हमें दिखाना है टीम वर्क। तो ऊपर से बंदा गिर चुका है, तो हेड मारने की पूरी कोशिश करेंगे, सामने जैसे बाहर निकलेगा हेड मारने की पूरी कोशिश करेंगे, तो भाई सामने वाले का हेड मारने की कोशिश, लेकिन सामने 2 बंदे, तो एम थोड़ा बिगड़ गया मेरा क्योंकि एक को मारना चाहता था दूसरे को लगा, तो पीछे की तरफ मैं निकल रहा हूँ, एक बंदे को नॉक कर दिया, 2v1 की सिचुएशन है, प्राफेल से पूरा कवर देने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कवर मिल नहीं पा रहा है, एक भी गोली नहीं लग रही, 5 और 9 का डैमेज जा रहा है MP से, प्राफेल हाथ में ले चुका हूँ, MP40 फिर से हाथ में ले चुका हूँ, तो सामने वाले को डेजर्ट से मार दिया लौंडे ने। तो यहाँ क्लॉक टावर पे एक राउंड शुरू हो चुका था, सामने वाले का हेड मारने की कोशिश, लेकिन यहाँ पूरा एम बिगड़ चुका है क्योंकि यहाँ फटी पड़ी है पूरी, लेकिन सामने वाले को फिर भी मैंने नॉक कर दिया है। तो पीछे से बंदा आ रहा है, इसको भी बहुत सारा डैमेज दे दिया भाई, बहुत सारा, लेकिन अपने को भी डैमेज की कमी नहीं है, मेरे को लग रहा है ये अपना टीममेट है लेकिन ये होता अपोनेंट है, इसलिए मैं मारता नहीं हूँ इसको। तो यहाँ इतना सारा डैमेज दे दिया, लेकिन पीछे से M10 से हमारी मारी जा चुकी है, तो भाई कोई बात नहीं, अपने टीम के 2 बंदे बचे, तो देखते हैं पीछे से एक बंदा अपना राहुल बंदा आ रहा है भाई, ये इतना OP प्लेयर है ना, पिछली बार भी इस बंदे ने बचाया, इस बार भी बंदे ने बचाया मेरे को, तो बहुत ही खतरनाक खेल रहा है, पूरा हील करके बैठ गए हैं थोड़ा। तो भाई सामने की तरफ बंदा दिख चुका है और जैसे ही इसको थोड़ा सा भी डैमेज पड़ेगा हम रश मार देंगे, तो उसने डैमेज दे दिया और हम निकल चुके हैं रश मारने के लिए और बंदे को पूरा खत्म कर दिया। तो भाई 6 पॉइंट उनके हो चुके हैं, 6 पॉइंट हमार चुके, तो सामने बंदा आ चुका है, तो भाई हेड मारने कुछ भाई, इतने सारे हेड मारे, नॉक क्यों नहीं हुआ भाई, ये क्या सिस्टम चल रहा है भाई, इतना तेज जल्दी जल्दी कैसे मार पा रहे हैं PC वाले। तो भाई ऐसे टक्कर का मैच कभी आपने देखा नहीं होगा PC वर्सेस मोबाइल में,
तो भाई अगर देखा हो तो बता देना, नहीं देखो तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके चले जाना। आखिरी बंदा बचा है वो भी मर जाएगा थोड़ी देर में, तो आपको पता ही है राउंड हम आने वाले हैं क्योंकि 1v3 की सिचुएशन और जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यार वीडियो थोड़ी सी पिछली लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।